वैसे तो देश में होली का त्यौहार करीब करीब संपन्न हो चुका है और होली का खुमार भी लोगों से उतर चुका है, लेकिन राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पूरे फाल्गुन ही होली खेली जाती है, वह भी अलग अलग तरीके से। आदिवासी बहुल डूंगरपुर में भी प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां होली के बाद अलग अलग तरह से होली खेली जाती है। एक ऐसी ही होली है कांडो की राड, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की जगह कंडे फेंक कर मारते हैं। सागड़ा में नेहरू पार्क के पास कंडों की राड खेली जाती है। राड देखने के लिए हजारों लोग शामिल होते हैं। कंडों की राड खेलने के लिए आसपास के युवा नेहरू पार्क इकट्ठा होते हैं। उसके बाद युवा 50-50 की टोलियों में आपस में बढ़ जाते हैं। वहीं दोनों टोलियों के पास गोबर के कांडों को भी सजा कर रख दिया जाता है। इसके बाद शुरू होती है कांडों की राड, जहां युवा एक दूसरे पर खूब कंडे फेंक कर मारते हैं। ढोलकुंडे की थाप पर लोग खूब नाचते हैं और फिर देखते ही देखते होली का ये खेल कंडों की राड में बदल जाता है। दोनों गुटों में बटे युवा एक दूसरे पर कंडे मारने लगते हैं। सड़क पर कंडों के ढेर लग जाते हैं। ये कंडे आमने सामने दोनों गुटों के लोग एक साथ ही राड के देखने पहुंचे लोगों को भी लगते हैं। कंडे लगने से कई लोगों के दर्द कराने भी लगते हैं, लेकिन कंडों की राड देखने के लिए लोग में खासा उत्साह देखने को मिलता है। कंडों की राड करीब 1.5 घंटे तक चलती रहती है। इसे देखने के लिए सागवाड़ा समेत आसपास के कई गाँव के लोग पहुँचते हैं। सागड़ा में वर्षों से कंडों की राड की परंपरा का निर्वहन करते हुए आ रहे हैं। हर साल होली के बाद युवा कंडों की राड की होली खेलते हैं। इस बार भी इस परंपरा को मनाया गया। वहीं इस बार कंडों की राड में 300 किलो गोबर के कंडों को एक दूसरे पर फेंक कर मारे, इसमें कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। सागवाड़ा के रहने वाले लोगों का मानना है कंडों की राड खेलने से गाँव में कोई आपदा नहीं आती और पूरा साल खुशहाली भरा निकलता है।